हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की वर्कशीट नंबर 152, जिसका सब्जेक्ट है इंग्लिश और आज डेट है 23 जनवरी 2021। ये वर्कशीट क्लास वन के बच्चों के लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की वर्कशीट। बच्चों, आपको यहाँ पर अपना नेम लिखना है। यहाँ पर आपकी क्लास ऑलरेडी लिखी हुई है, तो आपको अपना सेक्शन लिखना है और यहाँ पर लिखना है आपको अपने टीचर का नेम। स्टूडेंट्स, डू यू नो टुडे इज 23 जनवरी, अ डे सेलिब्रेटेड टू मार्क द बर्थ ऑफ सुभाष चंद्र बोस। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि आज 23 जनवरी है? आज के दिन सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था और इंडिया में उनके जन्म दिवस को सेलिब्रेट किया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि वो कौन थे, और बहुत सारे बच्चे आप लोगों में से उन्हें जानते भी होंगे, तो आइए देखते हैं। ही वॉज अ ग्रेट नेशनलिस्ट हु मोटिवेटेड इंडियंस विद हिज फेमस स्लोगन जय हिंद। बच्चों, वो एक ग्रेट नेशनलिस्ट यानी कि एक महान राष्ट्रवादी थे, जिन्होंने इंडियंस मतलब कि भारतीयों को मोटिवेट किया था, मतलब कि प्रोत्साहित किया था अपने फेमस स्लोगन जय हिंद से। ठीक है, सो अब आपको याद आ गया होगा कि जय हिंद स्लोगन किसका है? सुभाष चंद्र बोस का है। ही एस्टैब्लिश्ड द आज़ाद हिंद फौज टू काउंटर द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। बच्चों, उन्होंने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था ताकि उस टाइम पर जो ब्रिटिश रूल था इंडिया में, उसको वो काउंटर कर सके, यानी कि उसका विरोध कर सके, उसका प्रतिकार कर सके। सो सुभाष चंद्र बोस इंस्पायर्ड मिलियंस ऑफ यूथ टू ज्वाइन द स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस इन इंडिया। बच्चों, उस टाइम पर सुभाष चंद्र बोस ने इंडिया में बहुत सारे यूथ को, यानी कि ये समझ लीजिए कि लाखों युवाओं को इंस्पायर किया था कि वो इंडिया को इंडिपेंडेंस दिलाने में जो उस टाइम पर स्ट्रगल हो रहा था, संघर्ष हो रहा था, उसको ज्वाइन कर सकें। पीपल अक्रॉस इंडिया सेलिब्रेट दिस डे टू ऑनर नेताजी एज ही इज फॉन्डली कॉल्ड। बच्चों, पूरे भारत के लोग इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं नेताजी को ऑनर देने के लिए, यानी कि सम्मान देने के लिए। ऑनर का मतलब सम्मान। तो यहाँ पर नेताजी किसे कहा गया है? सुभाष चंद्र बोस को। बच्चों, लोग उन्हें प्यार से नेताजी कहते थे, तो यहाँ उनका एक और विचार दिया गया है, आइए उसे देखते हैं। वन इंडिविजुअल मे डाई फॉर एन आइडिया, बट दैट आइडिया विल आफ्टर हिज डेथ इनकार्नेट इटसेल्फ इन अ थाउजेंड लाइव्स। तो उन्होंने कहा कि वन इंडिविजुअल मे डाई, इसका मतलब यह है कि एक इंडिविजुअल मतलब कि एक व्यक्ति एक आइडिया के लिए, एक विचार के लिए मर सकता है, बट दैट आइडिया विल आफ्टर हिज डेथ, लेकिन वो विचार, वो आइडिया उसकी डेथ के बाद यानी कि उसकी मृत्यु के बाद इनकार्नेट होता, इनकार्नेट का मतलब होता है अवतार लेता है, तो उसकी मृत्यु के बाद वो विचार अवतार लेता है बहुत सारी लाइव्स में, थाउजेंड्स ऑफ लाइफ में, हजारों लाइव्स में। ठीक है, तो ये किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस ने कहा। हेलो किड्स, हाउ आर यू? हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं? टुडे वी विल टॉक अबाउट आवर फैमिली मेंबर्स। बच्चों, आज हम अपने फैमिली मेंबर्स के बारे में बात करेंगे। तो हमारे फैमिली में कौन कौन से मेंबर्स होते हैं? मदर, MOTHER, मदर, मदर यानी मम्मी। इसी तरह से फादर, FATHER, फादर। तो फादर किसको बोलते हैं हम? पापा को बोलते हैं। आगे देखते हैं, सिस्टर, SISTER, सिस्टर, सिस्टर मतलब बहन। नेक्स्ट है ब्रदर, BROTHER, ब्रदर, ब्रदर मतलब भाई। इसी तरह से नेक्स्ट है ग्रैंड मदर, ग्रैंड मदर, GRANDMOTHER, ग्रैंड मदर मतलब की दादी। नेक्स्ट ग्रैंड फादर, ग्रैंड फादर, GRANDFATHER, ग्रैंडफादर। ग्रैंडफादर हम किसको बोलते हैं? दादाजी को। ओके, तो हमारी फैमिली के मेंबर्स कौन कौन हुए? मदर, फादर, सिस्टर, ब्रदर,
ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर। चलिए अब हम आगे देखते हैं। सो लेट अस ट्राई टू राइट द नेम्स ऑफ आर फैमिली मेम्बर्स। बच्चों अब आपको फैमिली मेम्बर्स के नेम को लिखना है, जैसे कि फर्स्ट इमेज किसकी है, फर्स्ट इमेज है मदर की, तो हम यहाँ पर लिखेंगे मदर, एम ओ टी एच ई आर, मदर। ठीक है, इसी तरह से आप बाकी जो मेम्बर्स हैं उनके नेम भी यहाँ पर लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, कंप्लीट द सेंटेंसेस यूजिंग ही और शी। बच्चों आपको नीचे कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं जो कि इनकम्प्लीट हैं, तो आपको सेंटेंस के अकॉर्डिंग उसमें ही या शी लगाकर उन्हें कंप्लीट करना है। तो ही और शी हम किसके लिए यूज़ करते हैं, ये आप ऑलरेडी इससे पहले वाली वर्कशीट्स में जान चुके हैं। ही हम यूज़ करते हैं बॉय के लिए और मैन के लिए, इसी तरह से शी हम यूज़ करते हैं गर्ल के लिए और वुमेन के लिए। ठीक है, तो चलिए आप ये भी कह सकते हैं कि ही हम यूज़ करते हैं मेल के लिए और शी फीमेल के लिए। ठीक है बच्चों, तो फर्स्ट है डैश इज माई मदर, तो मदर क्या है, बिल्कुल सही, मदर है फीमेल, है ना, मदर क्या है फीमेल, वुमेन है ना, तो इसीलिए हम यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, शी यूज़ करेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे शी इज माई मदर। इसी तरह से नेक्स्ट देखिए, डैश इज माई ब्रदर, तो ब्रदर क्या है, ब्रदर बॉय है यानी कि मेल है, तो इसलिए हम क्या यूज़ करेंगे यहाँ पर, बिल्कुल सही, हम यहाँ पर यूज़ करेंगे ही इज माई ब्रदर। नेक्स्ट देखिए, डैश इज माई ग्रैंड मदर, तो ग्रैंड मदर क्या है बच्चों, ग्रैंड मदर वुमेन है यानी कि फीमेल है, तो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे बच्चों शी इज माई ग्रैंड मदर। ऐसे ही आपको फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ करना है, तो ये आपको खुद से करना होगा। इसी के साथ आपकी आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है।